हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से और एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत सिंपल है। केक बनाने जा रही हूँ, वो भी एगलेस। घर में जो भी कुछ सामान है मौजूद है, आप उसी से बना सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है और इजीली बच्चों को टिफ़िन भी डाल सकते हो इसलिए। तो मैं ये माइक्रोवेव ओवन या फिर ओटीजी में नहीं बना रही, ये मैं गैस ओवन में बना रही हूँ। तो पहले मैं अपना जो केक टिन है उसको ग्रीस कर लिया है मैंने, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद फिर मैं इसमें मैदा डस्ट करूँगी ताकि केक नीचे लग ना जाए, क्योंकि मैं इसमें बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे मैदा डाल के इसको चारों ओर फैला दूँगी और जो एक्स्ट्रा है मैं उसको निकाल दूँगी, एक्स्ट्रा जो मैदा है। और साथ ही साथ मैं जिसमें बना रही हूँ, आप देख पा रहे हो ये बड़ा सा एक सॉस पैन है, इसके अंदर ही मैं बनाऊँगी। इसके अंदर मैंने ये स्टैंड डाला ताकि नीचे जल ना जाए और हीट अच्छे से मिले, और इसको मैं ढक दे रही हूँ तो करीबन 10-15 मिनट्स के लिए ताकि ये प्री हीट हो जाए। तो अभी मैं इसका बैटर बनाऊँगी। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है, नॉर्मल सा रिफाइंड ऑयल जिससे आप लोग खाना वाना बनाते हैं वैसे ही, वही वाला रिफाइंड ऑयल। साथ ही साथ उसमें मैं डालूंगी चीनी पाउडर, शुगर, जो नॉर्मल सा शुगर है उसको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए ताकि आसानी हो उसको मिक्स करने में और इजीली अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीनी और ऑयल को थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे टूटी फूटी लिया है मैंने कुछ, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा मिक्स कर रही हूँ ताकि जब हम इसको बैटर में डालेंगे ताकि वो नीचे एकदम नीचे ना चला जाए। और मैंने जो ऑयल और शुगर मिक्स किया था उसके साथ मैं यहाँ पे 1 कप मिल्क भी ऐड कर रही हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे तीनों अच्छे से मिक्सड हो गया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वैनिला एसेंस दिया है, आप दूसरा एसेंस भी डाल सकते हो जो भी आपके घर में मौजूद हो। तो फिर से हम लोग उसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि मैदा, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। तो मैदा को मिक्स करेंगे, पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने और 1/2 कप लिया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। और मैदा के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये भी मैं डालूँगी। तो मैंने ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेकिंग पाउडर है, तो ये बेकिंग पाउडर है। तो ये बेकिंग पाउडर को मैंने 3/4 स्पून आप बोल सकते हो, मेरा जो स्पून है उसके 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है। और जो बेकिंग सोडा था मैंने उसको एकदम थोड़ा सा ही डाला, उसका 1/2 डालना है हमें, बेकिंग सोडा को ज़्यादा नहीं डालना है। और मैं इसमें चुटकी भर नमक भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाए। और इसको अच्छे से भी मिक्स करेंगे, और ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं, ज़्यादा तेज़ी से इसको घुमाना नहीं है, धीरे धीरे अच्छे अच्छे से ताकि लम्स ना रह जाए, अच्छे से इसको मिक्स करना है। और देख पा रहे हो कितना स्मूथ बैटर बन गया है। तो अगर आपको ये मिक्स करने के टाइम मिल्क का ज़रूरत हो, आप अगर देखोगे कि ये ज़्यादा आपका सूख गया, ड्राई हो गया है, तो आप इस पर आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टूटी फूटी मैंने डाला था वो भी ऐड कर दिया है और मिक्स भी किया है। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर डाल के फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और अभी जो लास्ट स्टेप है, तो गैस ओवन तो मैंने पहले चला लिया था, उसको फिर से और एक बार प्री हीट कर लेंगे। और अभी जो बैटर है मैं उसको केक टिन में पोर करूँगी, पोर करके उसको ओवन में डाल देंगे।
तो आपको इसको प्रीहीट पहले से कर लेना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। जो मैं तो यहाँ पे मेरा गैस ओवन में सॉस पैन में बना रही हूँ, तो आप उसको ही प्रीहीट कर लीजिए और इसको 35 to 40 मिनट्स के लिए आप बेक कीजिए। और मैं ऊपर से भी थोड़ा टूटी फूटी जो था मैं ऊपर से भी डाल दे रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश या फिर कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हो, आमंड आप डाल सकते हो। तो अभी हम लोग इसको बेक करने के लिए रख देंगे सॉस पैन में, और आपको ये 30 to 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। तो इसको हम लोग ढक देंगे और देखिए आफ्टर 40 मिनट्स इसका कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट भी होता है। तो मैं इसको एक फॉर्क के मदद से देख ले रही हूँ और पूरा क्लीन आया है। अगर आप फॉर्क के मदद से देखोगे कि अंदर का कुछ जो स्टिकी स्टिकी सा बाहर आ गया है तो आप सोचोगे कि वो कच्चा है। तो मैंने इसको निकाल लिया है, आप देख पा रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये ज़रूर ट्राई कीजिए घर में, कि आप बच्चों को टिफ़िन भी डाल सकते हो या फिर इवनिंग के स्नैक चाय के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजीली आसानी से जल्दी भी बन जाता है। तो मैं अभी इसको कट करके हम लोग अभी खाएंगे इसको। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अब देख पा रहे हो ये कितना सॉफ्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।